एंगल, टो इन टो आउट, बताया था ना। और फिर क्या बताया था? किंग पिन, किंग पिन इंक्लिनेशन। कितना बताया था? टो इन टो आउट, कैस्टल एंगल, कैम्बल एंगल, टो, और क्या है? किंग पिन इंक्लिनेशन। अभी हमें स्टेरिंग ज्योमेट्री क्यों करना पड़ता है? क्या जरूरत है स्टेरिंग ज्योमेट्री की? अच्छे स्टेरिंग के लिए, अच्छे ड्राइविंग के लिए, है ना। गाड़ी को सही में मतलब स्टेरिंग जो है हमारा, अगर ये अगर सिस्टम अगर ठीक ठाक नहीं बनाए गए तो क्या हो जाएगा? हमारी गाड़ी का स्टेरिंग हार्ड हो जाएगा, है ना, हार्ड हो जाएगा, तो बबलिंग भी करने लगेगी, टायर भी खाएगा, होता नहीं है सब चीजें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेरिंग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले टोइन, टोइन जो है हम आगे से देखने से, आगे से देखने के जो आगे वाले टायर है उसके आगे, टायर के आगे वाला हिस्सा, वो क्या होता है, दोनों अंदर की तरफ होता है। और इसका कितना बताया था मैंने? चार से चार प्लस माइनस दो, दो एम, ये है ना। तो उसके बाद में क्या है? टो आउट। टो आउट क्या है? फिर सामने से देखने से क्या होता है, आगे वाले टो है वो बाहर की तरफ होते हैं, है ना, आगे वाले टो बाहर की तरफ होते हैं शॉर्टकट में। मतलब इसको समझने आपने करना नहीं है, करने के लिए हम बैठे हैं। उसके बाद में हम चलते हैं कैस्ट्रोल एंगल। कैस्ट्रोल एंगल क्या है? जैसे हम एग्जांपल के तौर पर साइकिल को लेते, कभी देखे होंगे साइकिल को कैसा होता है, यहां से लेके इस तरह से होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको, जब हम साइड से देखने पर, गाड़ी के साइड से देखने पर क्या होता है, किंग पिन का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, पीछे की तरफ, और नीचे वाला हिस्सा अंदर की तरफ, आगे की तरफ, ये होता है ना। थोड़ा सा क्या होता है, ये पीछे है, मतलब उसका अगर किंग पिन देखा था तो ये एंगल में होता है, सपोज करो इतना, तो ज्यादा करेगा कितना है, दो डिग्री बताया ना, दो डिग्री, तो दो डिग्री, तो कितना हो गया, यहाँ से पीछे वाला हिस्सा साइड से देखने पर ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ और नीचे वाला आगे की तरफ। अच्छा, उसके बाद में हमने बताया था कैम्बर एंगल, आपने एग्जाम में भी लिखा है, लेकिन कोई कोई कंफ्यूज हो रहा था। कैम्बर एंगल क्या करता है, हम आगे से देखने पर ऊपर से जो ऊपर वाले हिस्से है, ऊपर वाला टायर का हिस्सा हुआ बाहर की तरफ और नीचे वाला अंदर की तरफ होता है, वो क्या हो गया, कैम्बर एंगल। और फिर किंग पिन, पांचवा क्या है, किंग पिन इंक्लिनेशन, वो क्या है, फिर सामने, अगर सामने से देखने से वो क्या हो जाता है, ऊपर से अंदर की तरफ और नीचे से बाहर की तरफ, है ना। इसी कंफ्यूजन को आप लोगों ने ना बहुत ही इसमें रखा था, थोड़ा थोड़ा उसमें मार्क आपके कट गए थे। अब फिर बाद में चलते हैं डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक